हजरत ऐसे फोन काटना, ये तो नहीं, मैं तो बात गैर मुखालिफ किया करते थे, अब ये तो देवबंदी कर रहे हैं हमारे, ऐसा हुआ तहरीर लिखवा के। अरे हजरत सुनिए ना, आप जब इतने मौलाना साहब पर एतराज करें तो आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप दो बात नहीं कर सकते। और हम उसके बारे में मजाक न करें, क्या कह रहा हूँ, फोन काटना ये तो देते हैं, आप इतने परेशान हो जाते हैं। क्या बात करूँ आपसे, बताइए क्या बात, फोन काट कर भाग जाना बात याद नहीं है। कभी हमारे नदीम बुरहानपुरी भाग, मैं भाग रहा हूँ, हाँ मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मुझे भागो ना, मुझे फोन मत सुनो ना, मदद नहीं, आप भागो मत, भागो मत नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अल्ताफ बोल रहा था, अहमद नगर महाराष्ट्र से। जी जी फरमाइए। तबीयत खराब सही है आपकी? असल जी फरमाइए। अच्छा, वो असल में अभी हाल में जो मौलाना साहब के मामले में जो आपकी ऑडियो चल रही थी उसको सुन रहा था मैं, दोनों ऑडियो सुना, मतलब आपकी बाद वाली वजाहत भी सुना और पहली वाली भी सुना। जी ये असल में मतलब आपने इस मामले में तहकीक की थी क्या, कुछ ऐसा क्या है मामला, ये पूरा हकीकत वाला मामला? वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली थी ना, असल 21 मिनट की ऑडियो थी वो। वो भी सुना मैं, आपने सुनी पूरी ऑडियो? अच्छा जी, तो मतलब आपको क्या लगा ऐसा, मौलाना मुस्तकीम साहब कह रहे कि मौलाना साहब साहब जो है तो महंगे रहेगा, ऐसा? नहीं, मैंने तो ये बात नहीं कही। अच्छा, नहीं वो आपके जो हेडलाइन है चैनल के ऊपर, वहाँ हेडलाइन ये नहीं है। क्या हेडलाइन आप बोलो, क्या हेडलाइन ये है, वहाँ पे बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब साहब महंगे। हाँ तो वही हुआ ना, बात का मतलब तो वही हुआ ना। नहीं नहीं, वो तो ये मौलाना मुस्तकीम साहब ने बात कही है कि बाज लोग ये कहते हैं कि, वो उनका जुमला है, हेडलाइन है मौलाना मुस्तकीम साहब का जुमला है। फिर मौलाना मुस्तकीम साहब से दोबारा पूछा गया तो दोबारा उन्होंने ये तो तर्दीद की कि भाई खामो खा की बातें हैं, सही नहीं, अच्छी बात है, तर्दीद होनी चाहिए, सही बात। तो तर्दीद तो हो गई थी ना, तो फिर आपको चैनल पर डालने की क्या जरूरत है, ताकि और लोगों के दरमियान में ये चीज बात है। असल मेरी बात सुनो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं शकीलियत से, वो हो रहे हैं तबलीगी जमात के अहबाब। और हमारे यहाँ दरपर्दा लोगों में ये बात चल पड़ी है कि मौलाना साहब को कुछ लोग बाकायदा या तो निजामुद्दीन के हवाले से नजरिया रखने लगे हैं कि निजामुद्दीन ही से हकीकत हजरत मेहदी काम का आगाज करेंगे, और यही जगह जो होगी वो मरकज होगी हजरत मेहदी का, ये नजरिया पाया जाता है लोगों के दरमियान में। आपको याद होगा शायद दारुलूम देवबंद के पास में इस्तिफ्ता आया था, उसमें जो है एक साहब ने लिखा था कि मेरे भाई ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, बड़े अच्छे पाबंद हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हजरत मेहदी का जो मरकज होगा वो दर हकीकत निजामुद्दीन ही होगा। दारुलूम के पास सवाल आया था तो दारुलूम देवबंद की तरफ से बहुत सख्त लफ्जों में जवाब लिखा गया था कि इस तरह की बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सूरत हाल ही बनती जा रही है, बाद लोगों का जहन ये बनता जा रहा है कि मौलाना साहब कुछ मावराई मखलूक है, अलग से कुछ न कुछ अलग से उनको पावर हासिल है। तो अगर कहीं से भी इस तरह की कोई बात उठ रही है, चाहे एक आदमी ही कर रहा है, हमें चाहिए कि उसकी तर्दीद अभी से हो जाए, वरना तो कल ये होगा। अब आप देखिए, अभी ये बात कह दी गई है, अगर से इसकी तर्दीद की जा रही है कि भाई ये खामोखा की बात है, सही बात नहीं है, लेकिन ये बात उठ पड़ी है कि बाज अरब मौलाना साहब को मेहदी मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अगर ये मान लिया जाए कि बाज अरब मौलाना साहब को मेहदी मानते हैं, चाहे फिर आप लाख उनकी तर्दीद करते रहे, तो जो कमजोर ईमान वाले होंगे उनको ये बात मनवाना आसान हो जाएगा कि भाई जब अरबों ने इस बात को मान लिया है तो आप क्यों नहीं मानते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो फितने होते हैं उनके बारे में बातें होती रहनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, जानते हो? बिल्कुल, दारुलूम देवबंद के बारे में बाज लोगों ने एक तकरीर को बुनियाद बनाकर ये मशहूर कर दिया था कि हजरत मेहदी जब तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा दारुलूम देवबंद की तलवार से, दारुलूम देवबंद की तलवार से हजरत मेहदी दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये बात मशहूर कर दी गई थी। मैंने बहुत सख्त लफ्जों में उसकी तर्दीद की थी कि बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए, या दारुलूम के साथ में गुलू का मामला करना है, दारुलूम की तरफ अगर कोई ऐसी बात मंसूब कर रहा है, दारुलूम का नाम लेकर कोई ऐसी बात कह रहा है,
कि हजरत मेहदी दारुलूम की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे तो गलत बयान ही कर रहा है, हरगिज ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो फितना खत्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उसके बाद कहीं से कोई आवाज ही नहीं उठी। हर आदमी वीडियो शेयर करने में लगा हुआ था कि दारुलूम की तलवार से होगा, दारुलूम की तलवार से होगा, नहीं होगा, सब बकवास है। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं उन पर अगर अभी से पाबंदी नहीं लगेगी तो बाद में नुकसान होगा। हाँ नहीं नहीं, ये जो है ना, असल में जब वो ऑडियो आई थी ना तो उस वक्त में तकरीबन मेरे हिसाब से ये ऑडियो आई थी 2019 के अंदर, ये ऑडियो आई थी शायद, वो जो मतलब जो आपने 21 मिनट की ऑडियो डाली ना वो। और उस वक्त के अंदर जो है ना मौलाना मुस्तकीम साहब ने उनसे बात की थी, तो मैं तो पूरी ऑडियो सुना उसी वक्त में सुना था, और अभी भी वापिस से अभी मतलब आपसे कॉल पे बात करने के पहले पूरी ऑडियो सुना। तो उसके अंदर जो है ना मौलाना मुस्तकीम साहब जो है ना, मतलब वो जो बंदा है ना वो कोई बात मौलाना मुस्तकीम से ऐसी निकाल लेना चाह रहा है, मतलब पूरे इसके अंदर के उस बात को छोड़ दीजिए आप। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, नई वाली जो बात है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब जो बात मसला है ना कि मौलाना साहब के बारे में कोई तबलीग वाला इस तरह का नजरिया ना पहले कभी था ना अभी, जबकि मौलाना साहब हम कब कह रहे हैं भाई, हम कब कह रहे हैं कि तबलीगी नजरिया रखते हैं, हम नहीं कह रहे। जैसे अभी आपने वजह उन्होंने वो तो मैंने मिसाल दे दी ना आपको, चलो बात को छोड़ दो, एक आदमी है ना, एक आदमी है। हाँ, लेकिन एक को भी छोड़ दीजिए आप, एक को भी छोड़, आप कहिए कि हिंदुस्तान में कोई है नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान में भी कोई नहीं है। मौलाना आप ये आपने तो सुना है ना कि मौलाना मुस्तकीम साहब ने खुद अपनी जबान से लफ्ज कहे हैं कि हाँ बाज अरब ये बात कहते हैं कि मौलवी साहब ही मेहदी हैं, अगरचे खामो खाक की बात है लेकिन बाज अरब ये कहते हैं। सुनी है ना आपने? सुनी है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुनी है ना आपने? सुन तो लीजिए आप, अब आगे की सुन लीजिए। सुनी ना मुझे, नहीं मेरी बात सुनिए ना, उस पर बोलने तो दीजिए आप दो मिनट, आपने आप जब बोल रहे मैं खामोश हूँ बिल्कुल। आप एक मिनट में बता दीजिए आप कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मौलाना मुस्तकीम साहब जो बात कर रहे हैं ना वो बात असल में ये शूरा वाले उस वक्त में चला रहे थे, तो वो बात चल रही थी पूना शहर के अंदर। पूना शहर के अंदर शूरा वाले दो बात चला रहे थे, एक बात ये चला रहे थे कि ये जो मुंतखब आदि से ये यहूदियों की तरफ से मतलब प्रेजेंट की गई है, जबकि उसका मुकदमा मौलाना अली ने नदवी रहमतुल्लाह ने लिखा। और दूसरा ये बात चला रहे थे कि बाज अरब कहते हैं कि इमाम मेहदी मौलाना साहब रहेंगे, तो ये बात तो ये लोगों ने चलाई जिसकी तर्दीद वो कर रहे थे, और आपने उसका माना अलग ले लिया। यानी मौलाना मुस्तकीम साहब ने जो जुमला कहा है कि बाज अरब ये कहते हैं, ये शूरा वाले चला रहे थे उस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। ये मौलाना मुस्तकीम साहब से मतलब नहीं कही ये बात, तो अब बड़ों की बात तो वैसी रहती है, वो तो बहुत सारी बातें उसमें इशारे से ही कह रहे थे वो। नहीं, इसका आसान तरीका फिर ये होगा ताकि ये मामला ही बिल्कुल खत्म हो जाए। मामला खत्म ही हुआ, ये आपने उसको बढ़ाया, मामला तो उसी वक्त में खत्म हुआ। वो मैंने कैसे उसको बढ़ा दिया है? अभी आपने यूट्यूब पर डाल दिया, आपके यूट्यूब के ऊपर उनको बोलता सुनो नजर 5000 उसके ऊपर मेरे को लगता व्यूज है। पहले ही से उसे 10,000 लोगों ने देख रखा है मेरे डालने से, और मैंने तो कोई गुफ्तगु डाली नहीं, मैंने अपनी बात की है। तो मैं क्या बोल रहा सर, कोई बात है उसको सुनने लगा के फिर साहब के साथ में मतलब इस तरह का मामला क्यों कर? जवाब सुन लीजिए, अब आसानी से इसका जवाब सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई इससे गलतफहमी पैदा हो रही है या एक जो बात है नहीं उसको आप खुद ब खुद प्रमोट कर रहे हैं। यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಆಪ್ ಜಿಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಉಸ್ನೇ ಆಪ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಕೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ರಖಾ ಹೈ. ಹಲೋ, हाँ जी जी बोलिए ना आप। सबसे बेस्ट ये रहेगा आप एक तहरीर लिखवा दें जिसमें कह दें कि बाद अरबों वाली जो बात है ये दरअसल शूरा वालों की चलाई हुई है। क्यों चलाए जबकि उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, जो कर रहे हैं मुझे जब खुद सुनो ना, इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप प्रमोट कर रहे हैं ना, इधर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने लिखा है ना उसके ऊपर। नहीं मैं ऐसी बात, मैंने आप प्रमोट कर रहे हो उस बात को, हमें करूँ मैं मौलाना मुस्तकीम साहब का जुमला लिखा है मैंने। अच्छा, अगर मौलाना मुस्तकीम कहते हैं कि मेरी ये बात नहीं है, हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक आदमी भी लिखवा दीजिए, आप एक आदमी भी लिखवा तो लिखवा देंगे ना, लेकिन तहकीक के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि
ये जो आप मौलाना साहब के पीछे खामखा पड़े हुए, तो इससे आप परहेज करें। वजह इसकी ये है कि मतलब एक आलिम दीन को मतलब ये बात जेबा नहीं देती कि वो झूठ और फरेब का सहारा ले या उम्मत में इंतशार फैलाए या गलत बात को प्रमोट करे या किसी एक फर्द को नुकसान पहुंचाए, खुसूसन उस शख्स को जो ये कहता है कि मुझे दोनों से कुछ लेना देना नहीं, या आप उमूमी एतबार से ओपन में अपने किसी वीडियो के अंदर ये बात कह दे कि मैं शूरा का आदमी हूँ और मैं शूरा की जमात को फॉलो करता हूँ और उसको प्रमोट करता हूँ। आपसे ऐसे लोग जुड़े हुए, यकीन जानिए आपकी बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, लेकिन आप जो तरीके से काम कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज तरीका नहीं। और फिर जिस तरह से आप मतलब फोन कट कर दे रहे ये तो और भी गलत तरीका है। और ये तो ठीक है अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा होता और आप फोन काट देते, यकीनन मैं भी मतलब दुनिया कहती कि नहीं यार ये आदमी तो बदतमीजी कर रहा था, मौलाना ने सही किया कि फोन काट दिया। जबकि मैं आपसे मुस्तकिल बात कर रहा हूँ कि इस मसले को कैसे हल किया जाए, बस आप जीत मतलब ये तो ऐसी हालत हुई कि आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे देवबंदियों के जो लिबास में कोई गैर मुकलित बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमने तो आज तक देखा नहीं कि कोई देवबंदी इस तरह से गायब हो रहा है जिस तरह से आप गायब हो रहे हैं। बिल्कुल मतलब जो है ना मतलब उम्मीद ही नहीं थी आपसे कि एक जो है ना ईसा जाहिद साहब जो है ना वो इस तरह से मतलब बोलेंगे कि हाँ मैं भाग रहा हूँ करके, मतलब अजीब बात है। तो फिर क्यों तर्जुमानी करे, अपना कारोबार करो, कोई अपना कारोबार करो, क्यों देवबंद की तर्जुमानी कर रहे हो, क्यों तबलीग की तर्जुमानी, क्यों अकाबरीन की तर्जुमानी कर रहे हो, क्यों लोगों को नसीहतें कर रहे हो जब आप में फेस करने की ताकत ही नहीं है, तो क्यों तर्जुमानी कर रहे हो, अपना कारोबार करो, क्यों यूट्यूब की कमाई के ऊपर जो है ना मुस्तकिल जो है ना आमदनी की गुंजाइश आपके नजदीक निकल आ रही है, छोड़ दो ना इस मतलब फंडे को छोड़ दो। हाँ या तो फिर कोई कुरानी आयत डाल दो, उसका तर्जमा डाल दो, क्यों इख्तलाफी मसाइल के अंदर आप घिरे हुए हो जब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आप सच का सामना करें और अपनी गलती को कबूल कर ले, या तो सच को सच बताए झूठ को झूठ बताए। मतलब मैं तो क्या बोलूँ यार, बहुत अजीब बात है, मेरे को इतना मतलब फील हुआ मुफ्ती साहब के एक देवबंदी हमारा मतलब हमारी शान है आप माशाल्लाह, और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो बहुत अजीब लगा। और मैं ये चाहूंगा कि इसके रिप्लाई में आपकी मतलब ऑडियो चाहिए मुझे। और ये भी मैं बोलूंगा कि मैं ये जो आपको पर्सनल में मैसेज कर रहा हूँ ये भी मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर सप्लाई करूंगा। दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि मेरा कॉल उठाए, मैं निजामुद्दीन सफर कर रहा हूँ खुसूसन आपके लिए, और होना तो ये चाहिए था कि आपने जब किसी चीज की वीडियो बनाई तो आप उसकी तहकीक कर लेते कि भाई ये क्या मामला है क्या है, इसके लिए कि मुतकल्लिम की बात जो है ना वो उसकी जबान से ही आप समझ सकते। तो मैं निजामुद्दीन सफर कर रहा हूँ और मौला मुस्तकीम साहब के घर वालों से मुलाकात करने की पूरी कोशिश करूँगा और कहो कि हजरत ऐसा ऐसा मामला चल रहा था इसमें आप वजाहत कर दे, आप लोग वजाहत करें, और उन्होंने कर भी दी। अब ये आपका कहना कि एक तहरीर लिखाओ, ये तो अजीब बात है कि तहरीर लिखाओ, यानी आप प्रोपोगंडा करते रहेंगे कोई भी चीज का और हम तहरीर लिखाते रहे, जबकि निजामुद्दीन का तो ये तरीका ही नहीं है कि निजामुद्दीन किसी बात का जवाब देता है। अभी मौलाना साहब सब पर इतने जो है ना बोले जाते, एक तो ओपन में झूठ हमने जो है ना मतलब ये जब शूरा अमारत का झगड़ा ही नहीं हुआ था, जब उनके नाम से झूठ चलाया जा रहा था कि जो है ना हमारे जो पीर तरीकत है मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह के जानशीन उनके नाम से झूठ चलाया जा रहा था कि मौलाना साहब ने हमारे खानदान को जो ना दाग लगा दिया करके, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अल्फाज भी हमारे नहीं, इसकी मुराद भी हमारी नहीं, किसी ने हमारे नाम पर झूठी सिग्नेचर करके चला दिया। तो इस तरह के प्रोपोगंडे तो अच्छी तंजीमों को बदनाम करने के लिए चलाए जाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में बरेलियों ने क्या किया, जो काम उन्होंने बरेलियों के साथ बरेलियों ने जो मौलाना अशरफ अली थानवी के साथ किया वही काम आप मौलाना साहब के साथ कर रहे हो, मौलाना मुस्तकीम साहब के साथ कर रहे हो।